दिल्ली में मिले कोरोना के 79 नए केस, पिछले 24 घंटे में 4 मरीजों की हुई मौत। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को दिया निर्देश, मानसिक रोगियों का वैक्सीनेशन किया जाए। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष चुनी गई स्वाति मालीवाल, लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बनी स्वाति मालीवाल। आठ महीने बाद जीएसटी कलेक्शन 1,00,000 करोड़ से कम, जून में 92,849 करोड़ आए। हिल स्टेशन बाजार की भीड़ पर सरकार ने चेताया, कहा कोरोना नियमों का पालन नहीं हुआ तो रियायत खत्म कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में, मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। लखनऊ के चिनट स्थित महात्मा गांधी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जल शक्ति संस्थान मंत्री महेंद्र सिंह दौरा करने पहुंचे, जहां उनके साथ जिलाधिकारी समेत अन्य डॉक्टर भी मौजूद थे। दरअसल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्री, सांसद, विधायक समेत अन्य पदाधिकारियों से अस्पतालों को गोल देने की बात पिछले दिनों कही थी, ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था की निगरानी और उसकी व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। वहीं महेंद्र सिंह ने इसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लिया है और उन्होंने अस्पताल में कोविड वार्ड, आईसीयू, एनआईसीयू और वहां के ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ की व्यवस्था बेहतर है और कोरोना की तीसरी लहर से पहले सरकार की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। वहीं लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश भी साथ में मौजूद रहे। वहीं आम आदमी पार्टी एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार को मेडिकल उपकरण खरीद में कथित घोटाले के नाम पर घेरने में लगी हुई है। वहीं लखनऊ आप कार्यकर्ताओं ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया, प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर जिला इकाई और फ्रंटल संगठन के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए भाजपा द्वारा खरीदे गए बच्चों के चिकित्सकीय उपकरणों को महंगे दामों में खरीदने को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के कैसरबाग में विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, जिस तरह से कोविड जो तीसरी लहर है उसमें उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो अभी अभी वेंटिलेटर घोटाले में जो जांच हम लोगों ने पाया, जो पेपर पाया है उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जो कंपनियां हैं ब्लैक लिस्टेड हैं, उन कंपनियों से इन्होंने टेंडर ना करके और डायरेक्ट उन्होंने डील की है। जैसा कि अन्य राज्यों में, जैसे वहाँ 10,00,000 की अगर डील हुई है तो यहाँ 22,00,000-17,00,000 की डील हो रही है। तो ऐसा घोटाला क्यों, मासूम बच्चों के साथ ये सौदा क्यों? योगी सरकार जो जिस तरह की भ्रष्ट सरकार चल रही है, पिछली बार उन्होंने ऑक्सीजन घोटाला किया, उसके पिछली बार उन्होंने कोरोना में जो घोटाला ऑक्सीमीटर का घोटाला किया, इस बार उन्होंने वेंटिलेटर का घोटाला किया है और मनमाने तरीके से खरीद फरोख्त की जा रही है। तो हम लोगों का ये विरोध प्रदर्शन है और सीबीआई की हम लोग जांच की मांग करते हैं। और आज हम लोग महोदया, जो हमारी राज्यपाल महोदया हैं, उनको हम लोग ज्ञापन लेकर आए हैं, उनको सौंपेंगे और सीबीआई की जांच करेंगे। इन जो ये जो भ्रष्टाचारी है, भारतीय जनता पार्टी है, ये हमेशा भ्रष्टाचार करती है और मासूम बच्चों के साथ सौदा कर रही है, वेंटिलेटर का घोटाला कर रही है और तमाम जो जीवन रक्षक उपकरण है उनमें इन्होंने घोटाले किए हैं। तो इसकी निष्पक्ष जाँच हो, सीबीआई जाँच हो, आम आदमी पार्टी की मांग है ये। लखनऊ समेत और किन किन जगहों पर ये पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की, ये पूरे उत्तर प्रदेश में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक सीबीआई जाँच नहीं होगी। अभी आप लोग राज्यपाल के यहाँ जाएंगे? जी हाँ, अभी राज्यपाल के यहाँ नहीं, हमारे जिला प्रशासन के द्वारा ये ज्ञापन सौंपा जाएगा, उनको दिया जाएगा। में आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ज्ञापन देने के लिए राज्यपाल कार्यालय जाने के लिए तैयार थे, मगर उन्हें पुलिस बल के द्वारा जो है रास्ते में रोक लिया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, पुलिस बल भी मौजूद है, हालांकि उन्हें जो है अभी रास्ते में रोक लिया गया है। अब देखने की बात यह होगी कि ज्ञापन उनके पास कब तक पहुंचता है राज्यपाल जी के पास। और उनकी शिकायत है कि जिस तरीके से कोरोना महामारी में दवा वेंटिलेटर को लेकर जो घपलाएं हुई हैं उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और सीबीआई जांच हो। राजधानी लखनऊ से शमशान। वहीं आजमगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। 22 विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए होने वाले चुनाव की अधिसूचना के बाद जिला प्रशासन चुनाव की तैयारी में जुट गया है, जिसके बाद चुनावी सियासत भी गर्म हो गई है। जिले के 22 विकास खंडों के ब्लॉक प्रमुख पद के लिए 10 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ब्लॉक मुख्यालयों पर मतदान होगा।
ब्लॉक प्रमुख का चुनाव का पूरी अधिसूचना जारी हो चुकी है, जिसके तहत 8 तारीख को नामांकन है, 9 तारीख को नाम वापसी और 10 तारीख को चुनाव होगा। चुनाव सभी ब्लॉक मुख्यालय में होना है, जिसके तहत हमारे 22 ब्लॉक जो है उसमें ब्लॉक प्रमुख का चयन होगा। तो उसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है, यहाँ जिले स्तर से भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है, ERO की तैनाती हो गई है जो वहाँ पे जाएंगे। उसके अलावा ही हम सुपर जोनल और जोनल मजिस्ट्रेट भी लगा रहे हैं, तहसील स्तर पे जो सुपर जोनल मजिस्ट्रेट रहेंगे और हर कार्य चुनाव के स्थल पे वहाँ पे जोनल मजिस्ट्रेट भी रहेंगे जो कि पूरी दिन। वहीं सहारनपुर में बसपा नेताओं का विवाद थम नहीं रहा है। निष्कासित बसपा नेता नवीन खटाना ने बसपा के उत्तराखंड प्रभारी नरेश गौतम और पश्चिमी यूपी प्रभारी शमशुद्दीन रैन पर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के टिकट के लिए उनसे मोटी रकम ऐंठने के आरोप लगाए हैं। इसी क्रम में अब राष्ट्रीय वीर गुज्जर सेना भी नवीन खटाना के समर्थन में उतर गई। सहारनपुर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सोनू गुज्जर ने कहा कि गुज्जर कभी अपना अपमान नहीं भूलता है, नवीन खटाना के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक नुकसान का बदला लिया जाएगा। मैं चौधरी सोनू गुजर मीरकपुर राष्ट्रीय वीर गुजर सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा भाई नवीन खटाना जी के साथ एक राजनीतिक साजिश के तहत इनके साथ इनका राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक नुकसान किया गया है, उस पक्ष में अपनी राष्ट्रीय वीर गुजर सेना की तरफ से अपना पूर्ण समर्थन भाई नवीन खटाना जी को देने आया हूँ। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय वीर गुजर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मीरकपुर जैसे पावन गांव से चल कर के भाई सोनू चौधरी जी, सोनू मावी जी हमारे साथ में जो BSP के तमाम जिम्मेदार मेंबर और जिम्मेदार पदाधिकारी ने मिलकर के जो विश्वासघात और पीठ में छुरा घोंपने का जो काम किया है और हमारा सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक जो हानि पहुंचाई है, उस दर्द को समझ करके यहाँ पर हमें समर्थन देने के लिए और कदम से कदम मिला करके हर संघर्ष में जो साथ देने का वादा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है, मैं इनका दिल की गहराइयों से। वहीं लखनऊ के आशियाना स्थित लोकबंधु अस्पताल में मरीजों को जोड़ों के दर्द से निजात मिलेगी। अब अस्पताल में आधुनिक फिजियोथेरेपी सेंटर में नई मशीन लगाई जा रही है। अभी तक अस्पताल में फिजियोथेरेपी यूनिट में मशीनों की कमी थी, इसकी वजह से दर्द से मरीजों को परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से मरीज प्राइवेट अस्पतालों में फिजियोथेरेपी कराने को मजबूर थे। वहीं अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी के मुताबिक सेंटर में कई आधुनिक मशीनें आ चुकी हैं। देखिए, फिजियोथेरेपी एक ऐसी विशेष विधा है, जब लोगों को दर्द में या हड्डी के दर्द में ज्वाइंट पेन होता है, गर्दन का दर्द होता है, इसमें विशेष रूप से फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। और जब कोविड काल हम लोग का कम है, कोविड के मरीज नहीं है, तो अब हमारे यहाँ आर्थोपेडिक की OPD शुरू हो गई है, डॉक्टर्स वहाँ बैठ रहे हैं, तो हमें आवश्यकता पड़ी कि फिजियोथेरेपी यूनिट हम लोग फिर से शुरू करें और उसमें अच्छी अच्छी मशीनें जो हम लोगों ने मंगवाई हैं अभी, शॉर्ट वेव डायथर्मी है, ट्रेडमिल है, इस तरीके की। वहीं जिले की लचर कानून व्यवस्था से अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। रायबरेली में अपराधियों के अंदर कानून का कोई खौफ नहीं बचा है। बता दें कि बदमाशों ने सर्राफा व्यवसायी से 50 लाख की फिरौती मांगी थी, जिसके बाद फिरौती ना देने पर बदमाशों ने बच्चों को मारने की धमकी दी। सेंट्रल जेल लखनऊ में बंद हिस्ट्री शीटर राजू भारती ने धमकी दी है, जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ है। वहीं पीड़ित ने कोतवाली महाराजगंज में शिकायती पत्र दिया है। हेलो, हाँ हेलो, सोनी बोल रहे हैं? हाँ, कौन? कितना जाले तुम्हारा जंगल जी? बताइए। हम राजू भारती बोल रहे हैं। हाँ बताइए। बताइए, बाद में पहले सुन लीजिए, फोन मत रखिएगा जी, आपकी भलाई के लिए जी। जी, 50 लाख रुपए रख लीजिए, कल लेना है हमको। 50 लाख? जी। मतलब? राजू भारती बोल रहे हैं हम, लखनऊ सेंट्रल जेल से जी। ठीक है, 50 लाख कल चाहिए हमको, देखिए, वरना आप जानिएगा, आपके लड़के जानेंगे, हमसे मतलब नहीं है। नहीं, क्या हुआ है ये बताइए। अरे हुआ कुछ नहीं है, देखिए। हाँ, ऐसा चाहिए हमको और आप नहीं, देंगे नहीं, मतलब आप बताइए कैसे, क्या है बेटा? आपकी कुंडली मिली है हमको।
कुंडली जी नहीं, आप समझे नहीं, आपको फील्डिंग सजी हुई है महाराज में, आप जब चाहे मनवा सकते हैं, आप जान लीजिए। हाँ, आपकी फील्डिंग सजी हुई है महाराज में, मतलब आपकी फील्डिंग सजी हुई है महाराज में, आप पूरी कुंडली है मेरे पास। नहीं वो ठीक है क्या, लेकिन कैसे है हम समझ नहीं पा रहे हैं आप। हम देखिए, हम वांटेड हैं लखनऊ के जी। जी वहाँ लौंडे आएंगे, उनके 50 लाख रुपए कल चाहिए, कल। कल जी, ऐसे कैसे भाई? अब आप ऐसे कैसे, आप जानिएगा फिर हम, चलिए आप जानिए, पैसे कल चाहिए हमको ऐसे। अरे पैसे ऐसे रखे रहते हैं क्या? चलिए ठीक हो गए, कल आप पैसे ले जाएंगे, कल फोन करेंगे, अगर पैसे नहीं तो देख लिया आगे। अब ठीक है, आपको मिलिए फिर हम देखते हैं। वहीं सहारनपुर से सिंचाई विभाग द्वारा सैकड़ों ग्रामीणों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। गांव को बाढ़ से बचाने के लिए बनाई जा रही पैचिंग में अनियमितता बरते जाने से गांव को बाढ़ का खतरा सताने लगा है। वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। हालांकि विधायक नरेश सैनी भी अनियमितताओं को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। मिलावट नहीं है ये, जो इनसे हम काम करने के लिए मना कर गए थे, जो कुछ लेबर ने डाल दिया वो निकाल दिया। हाँ, ठेकेदार कौन है? ठेकेदार मेरठ के। मेरठ के हैं। किस कंपनी के नाम टेंडर है? आप जांच कर दे, आपको क्या कमी पाई गई? क्या किस कंपनी के नाम टेंडर है? सत्य है। एक मिनट, वो निकलवा दिए गए। किस कंपनी के नाम टेंडर है ये? आप नहीं 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 बात सुनिए, मैं इलेक्ट्रिक मीडिया वाला हूँ, मैं प्रिंट मीडिया हूँ। किस कंपनी का नाम टेंडर है ये? प्रीति के नाम है। प्रीति के नाम है। कितने का लगभग है? आप वहाँ कितने का लगभग है? ऑफिस नहीं, आप मौके पे हैं। दूरी कितनी है? कितनी दूरी है? और नहीं 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 मैं ऑफिस में नहीं आने, मैं यहाँ गांव में चल। कितनी दूरी है इसकी? वहीं जौनपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। पुलिस की कार्यवाही से परेशान होकर कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। वहीं एसआई पर गाली गलौज, मोबाइल छीनने का हरिनाथ भारती और कश्यप सिंह ने आरोप लगाया है, जिसके बाद एसआई के खिलाफ कार्यवाही की मांग की जा रही है। प्रत्येक जिला अध्यक्ष साहेबलाल चौधरी को, जिला महामंत्री है उसको जो है यहाँ पुलिस वालों ने बेइज्जत किया, मारा पीटा और उसका मोबाइल छीन लिया, उसके बाद थाने में बैठाए हुए हैं, गाली दी। जबकि उसकी कहीं कोई गलती नहीं है, वो पड़ोसी जो है अपना बना रहा है, ये अपना बना रहा है, बिना किसी स्टे का उसका घर रोक रहे हैं पुलिस वाले पैसा लेके। वहीं जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में बेखौफ खनन माफियाओं पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि शासन को करोड़ों के राजस्व का चूना लगाकर खनन माफिया फरार थे, जिसको लेकर खनिज विभाग और सिटी मजिस्ट्रेट ने जगह जगह लगे बालू के भंडारण पर कार्रवाई करते हुए तमाम जगहों पर ये सीज कर दिए गए हैं। वहीं औरैया के काशीराम कॉलोनी में रहने वाले एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। औरैया में काशीराम कॉलोनी के रहने वाले बबलू उर्फ लल्ला सना मुन्ना खान, जिनकी उम्र 23 वर्ष है, ये घर से निकले हुए थे, इनकी भाभी ढूंढते हुए गई हैं, तो ये एक रिक्शे पर बैठे हुए थे और अर्धबेहोशी की अवस्था में उनको मिले हैं। उनके द्वारा उन्हें घर ले आया गया, जहाँ पर फिर उनकी डेथ हो गई है। परिजनों द्वारा तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। वहीं सोनभद्र के मधुपुर में इंडियन बैंक की लघु शाखा में बदमाशों ने हमला बोल दिया। बता दें कि पल्सर सवार 3 युवक आए और आधार कार्ड से पैसा निकलवाने के लिए बोले। वहीं एक आदमी कैश काउंटर की तरफ गया और काउंटर में रखे 11,07,000 रुपये लेकर फरार हो गए। वहीं इस घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम मामले की जाँच में जुटी हुई है और बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है। सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है, दूसरे दुकान से देखा गया है, तो उसमें स्थिति उतनी स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, लेकिन जब इस तरह की घटना किए होंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित ही उनके हाथ में कोई ऐसी चीज़ रही होगी जिससे कि उन्होंने धमकाने का काम भी किया होगा। और हमारे जनपद में करीब 100 के आसपास इस तरह के ग्राहक सेवा केंद्र होंगे और अब इनको भी, इनकी भी सुरक्षा रिव्यू कराने की आवश्यकता है।
सबसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वे अपने वर्क प्लेस को थोड़ा सुरक्षित बनाएं, और जो उनका डेस्क होता है डेस्क के ऊपर शीशे की केबिन बनाते हैं उसके ऊपर भी एक उनको मजबूत जाली लगानी चाहिए ताकि कोई ज़बरदस्ती आकर के अंदर जहाँ पर उनका कैश वगैरह उनके ड्रॉअर में होता है वहाँ आकर के कोई लूट। वहीं शाहजहांपुर के मिर्ज़ापुर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए, वहीं चार लोगों की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। तो ये भीषण टक्कर हुई है जिसमें कई लोग घायल हुए, जहां पर कार और ट्रैक्टर के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर जितने भी घायल लोग थे उनको त्वरित उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जिनको भी चोटें आई हैं उनका उपचार ठीक से हो सके। तो कार और ट्रक के बीच में ये ट्रैक्टर के बीच में ये ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिली जिसमें कई लोग घायल हुए। ये तस्वीरें ऐसी हैं जो काफ़ी विचलित कर सकती हैं, और शायद यही वजह है कि इन तस्वीरों को ब्लैक एंड वाइट कर दिया गया है। वहीं आगरा विकास प्राधिकरण के वित्त अधिकारी पर युवती ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जिसके बाद युवती के साथ परिजनों ने आगरा विकास प्राधिकरण में हंगामा काटना शुरू कर दिया। बता दें कि हाल ही में ट्रांसफर होकर वित्त अधिकारी के यहां युवती पहुंची थी। वहीं जानकारी होते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। आप बिल्कुल डॉल की तरह लग रही हो, और आज की जब मैं फाइल साइन करा रही थी उस दौरान उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे हाथ पे किस किया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि अपना मास्क उतारो, और फिर अपनी ही चेयर पे बैठ के मैं उनके साइड में खड़ी हुई थी मुंह ऊपर करके वो किस करना चाह रहे थे। फिर मैंने बोला कि सर ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्डनेस है। कोई नहीं, फिर आपने शिकायत कहाँ? मैंने अपने ही ऑफिस में अपने कर्मचारी से किसी से ये बोला था, मैं उसका नाम नहीं ओपन करना चाहती कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैंने उससे शेयर किया था ये बात कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है ये वो, मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। उन्होंने बोला कि ठीक है तुम थोड़ा दो मिनट बैठो यहाँ चैन से आराम से, और फिर कोई डिसीजन लेना। फिर मेरे डिसीजन फिर मैंने अपने भाई को बताया, फिर मेरे भाई और मम्मी को मैंने ये बताया, फिर उसके अगेंस्ट फिर ये कार्रवाई जो चल रहा है, और उसके बाद आगे की प्रोसेस आपके सामने ही है। इसके बारे में मुझे अभी मैं इतनी जल्दी अचानक ये सब कुछ हुआ कि मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ जो सामने दिख रहा है उससे अलग तो है ये तो मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे साथ वो डेढ़ दो कितना मतलब चार महीना हो गया इसको आया। अगर मेरा कोई इंटेंशन होता तो शुरू में ही वो यहाँ बैठे ना, वो क्यों यहाँ पे? अगर मेरा कोई अगर इस तरह का कोई व्यक्ति होता है तो अपनी बुरी आदतें पैदा कर देता है। लेकिन मैं अचानक क्यों गलतफहमी पैदा हो गई? वहीं हमीरपुर में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने सर पर घड़े लेकर प्रदर्शन किया। सरकारी नलकूप ऑपरेटर द्वारा पिछले 15 दिन से पानी की सप्लाई न होने से सैकड़ों लोग परेशान हैं, जिसके बाद कलेक्ट्रेट में लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में दबंगों ने घर में घुसकर परिवार पर हमला बोल दिया। वहीं हमला बोलने के बाद दबंग मौके से फरार हो गए। दबंगों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पीड़ितों ने थाने में तहरीर दी है। वहीं मामले की जांच में पुलिस अब पूरी तरह से जुट गई है। वहीं सुल्तानपुर में नगर पालिका चेयरमैन बबीता जायसवाल और उनके पति अजय जायसवाल के अड़ियल रवैये से लोगों में खासा आक्रोश है। हाल ये है कि तिकोनिया पार्क में राष्ट्रीय ध्वज लगने के बाद ही अब नगर पालिका प्रशासन ने वहां ताला जड़ दिया है। अब अपने हक की लड़ाई लड़ने, धरना प्रदर्शन करने या अन्य किसी भी कार्यक्रम के लिए राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के लोगों को जिला प्रशासन के साथ साथ पालिका प्रशासन से भी अनुमति लेने के लिए बाध्य कर दिया गया है। तिकोनिया पार्क में इस तरह की कार्यवाही से लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अभी ऐसा संज्ञान में लाया गया है कि उन्होंने बंद किया है, कि वहाँ पे उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज इंस्टॉल किया है उसकी सुरक्षा के लिए किया है। और हालांकि अभी हमारे एडीएम प्रशासन साहब ने उनसे पालिका प्रशासन से बात की है कि इस प्रकार से इसको बंद ना किया जाए, और केवल ये रहा है कि उन जिनको वहाँ पे प्रदर्शन या कोई भी इस तरह कार्रवाई करनी है उनको प्रायर इंटीमेशन दे दे नगर पालिका को, और जगह की व्यवस्था को ना बिगाड़े, मतलब कोई वहाँ पर इस प्रकार की गंदगी या तोड़फोड़ ना करे। तो दोनों लोगों का काम उससे चला। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।